गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लूनी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया। लूनी में स्वामी विवेकानंद जयंती पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रथम विजेता को 11,000 से पुरस्कृत किया, द्वितीय स्थान पाने वाले को 5100, वहीं तृतीय स्थान पाने वाले को 2100 रुपये से पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में लूनी का गौरव बढ़ाते हुए अव्वल आने वाले युवा किशोर ठाकुर ने 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। किशोर ठाकुर, आप अव्वल आए हैं। हाँ जी, बस अव्वल आने के लिए आगे और मेहनत करो और ऐसे ही आगे आने के लिए और ये 5 किलोमीटर के। अच्छा, ऐसे ही सब मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। अपने युवाओं में बहुत उत्साह है और ऐसा लग रहा था सड़कों पर कि आज युवा दौड़ रहा है, और मैं अपनी युवा की टीम को, अपने युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष को, उनकी पूरी समस्त टीम को, महामंत्रीगण, उपाध्यक्ष, सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम माननीय विधायक जी की उपस्थिति में हुआ। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, श्री संगठन के लिए माननीय विधायक जी ने भी आज समय दिया, मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली है। युवा ही भारतीय जनता पार्टी को जिताता है। देखा गया है कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में युवाओं में एक साझा जोश था, तो इस तरह का कार्यक्रम आगामी समय में देखे जाएंगे? आगामी कार्यक्रमों में सभी तरह के कार्यक्रम रहेंगे। अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी हम 20 तारीख को सीसीएस इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम आर्ट और आज उनकी जन्म जयंती है, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं के साथ मिलकर के दौड़ का आयोजन हर विधानसभा में किया गया है, तो युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई हिमांशु शर्मा जी ने इस तरह से हजारों युवाओं को सुबह 7 बजे से इतनी सर्दी में आकर के और बहुत शानदार दौड़ का आयोजन किया और उनको फिर इनाम देने का काम किया गया है पार्टी के द्वारा, ये अद्भुत है। और इससे पता चलता है कि आज नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। मैं उनको बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है और लगातार उनके कार्यक्रम शानदार रहे हैं। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिंगल जी मोदी नगर से 7 बजे यहां आए, उससे भी नौजवानों को और ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का स्वर्णकाल है और हम लोग बहुत जल्दी विश्वगुरु के पद पर विराजमान होंगे, जो हमारा पार्टी का एक एजेंडा भी है और जो हमारे मनीषियों ने सपना देखा है। अभी सोशल मीडिया पर आपने ये बात होने के बाद सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने आपके ऊपर एक हमला किया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका चर्चा